जैन दोस्तों, मैं संजय महाजन आपके अपने YouTube चैनल विनर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि अभी बरसात हो रखी है और बरसात होने के बाद इनका हम 8:45 बजे टेस्ट शुरू कर रहे हैं। बरसात होने के बाद ट्रैक गीला है, इनके जूते गीले हैं और दोस्तों ये सब बच्चे हैं जो कि 2:30 के अंदर आते हैं विनर डिफेंस एकेडमी के। अब हम ये देख रहे हैं कि बरसात होने के बाद, ट्रैक गीला होने के बाद जो इनके शूज़ है, शूज़ भी गीले हैं और शूज़ में फिर अभी वेट भी हो रखा है। तो इनके बाद इनका जो शूज़ गीले हैं उसके बाद इनका वेट, अपना टाइमिंग क्या आता है ये हम समझते हैं। ग्राउंड पे आप बने रहिए। चलो तैयार है आप लोग? आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? ट्रैक भी गीला है, आपके शूज़ भी गीले हैं और बहुत सारे भी दौड़ रहे हैं। ज़्यादा हम बच्चे दौड़ा रहे हैं इसलिए कि वहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, तो किस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना, ठीक है? तैयार है? ऑनर मार्क सेट गो। दोस्तों इनके शूज पूरे गिले हैं और एक साथ हमने कम से कम 70-80 बच्चे दौड़ा दिए हैं। अब देखते हैं ये टाइमिंग क्या लाते हैं। वैसे इनका टाइमिंग जितने भी बच्चे दौड़े हैं 2:30 के अंदर है सब बच्चे। अब देखते हैं इनका टाइमिंग बढ़ता है या घटता है। यहाँ पर बाकी बच्चे खड़े हैं, देख रहे हैं आप लोग पीछे, इनका भी अब ग्रुप बनेगा, इनको भी दौड़ाया जाएगा। दोस्तों हम YouTube पे ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, ध्यान रहे, हमेशा साइलेंट रहते हैं, पर जो हमें करके दिखाना होता है वो हम करके दिखाते हैं और प्रॉपर सोचते हैं कि बच्चा बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन ले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। लंबा स्टेप रखो, एक राउंड है, खींचो बढ़िया, लंबा स्टेप रखो, शाबाश शाबाश गुड दीपक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। निकलो 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 निकलो, बढ़िया अश्विन, खींचो, बहुत अच्छी, शाबाश। 1:18 में पूरे बच्चों ने एक राउंड मार दिया है, पूरे 1:18 में खत्म हो चुके दोस्तों, सब निकल गए आगे। दोस्तों मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग कहीं रील वगैरह देखकर मतलब वो हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, भावुक होते हैं फिर कुछ मोटिवेट भी हो जाते हैं कहीं रील देख के, और कहीं उस्तादों के पास चले जाते हैं जिन्हें की कुछ नॉलेज वाले जितना नहीं होता है, वो वीडियोस देख के रील वील बना के आप लोगों को लुभा लेते हैं। तो इस बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ज़्यादा थोड़ा सा परखें कि क्या एक्चुअली सही है और नहीं है। 2-3 दिन ग्राउंड पे जाके देखें, उनको टेस्ट करें क्या एक्चुअली उनका वर्कआउट सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, स्ट्रेचिंग वार्म अप रनिंग ये बराबर चल रही कि नहीं चल रही। अभी देखो आपके सामने बच्चे दौड़ रहे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, खींचो 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 खींचो, खेच 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 खेच, 24 हो गए 24 हो गए, शाबाश, खींचो 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 खींचो, शाबाश 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 शाबाश, इस तरफ चलो इस तरफ चलो इस तरफ चलो, ये हमने ये ट्राई किया था कि बरसात होने के बाद, ये सुबह भी दौड़ चुके हैं, फिर बरसात हुई, बरसात होने के बाद हमने सोचा कि एक बार ये वीडियो बना लेते हैं हम कि इनका बरसात होने के बाद टाइमिंग क्या आ रहा है, क्योंकि जूते भी गीले हैं, बाल भी गीले हैं, गीले में कैसे दौड़ते हैं, क्योंकि अभी आप जो आपका टेस्ट होगा वो तकरीबन बरसात में ही आगे पीछे होने वाला है, इस बात का आप भी ध्यान रखें और आप लोग भी ऐसे ट्रायल टेस्ट देते रहे, टेस्ट देने से बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, दूसरा ग्रुप भी हम आपके सामने दौड़ा रहे हैं, ये दूसरा ग्रुप है, अब इनका टाइमिंग देखते हैं। नहीं दोस्तों ये सेकंड ग्रुप है, आप लोगों ने फर्स्ट ग्रुप का देख लिया, अब सेकंड ग्रुप का टाइमिंग देखते हैं बरसात में। हाँ, ऑनर मार्क सेट गो, शाबाश 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 शाबाश, दोस्तों देख रहे हैं आप लोग बरसात अभी भी हो रही है, बच्चों के शूज भी गीले हैं, टी शर्ट भी गिल्ली है, बाल भी गिले हैं, इस गिले में वो टाइमिंग दे रहे हैं। टाइमिंग देखा आपने, जब हमारे बच्चे 70 से 80 बच्चे 2:30 में पूरे इन हो जाते थे और आज फर्क पड़ा है, 2:30 में उसमें से 70-80% बच्चे इन हुए, मतलब 10-20% का फर्क पड़ा है टाइमिंग का। 2:35, 2:38, 2:40 तक भी बंदा आया है फर्स्ट ग्रुप वाला। अभी सेकेंड ग्रुप का टाइमिंग हम देख रहे हैं,
शाबाश गौरव, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश विवेक, शाबाश अंकित। सेकेंड ग्रुप भी 1-20 में सब ने क्रॉस कर लिया है पहला राउंड। दोस्तों फिर से आपसे बोलना चाहूंगा कि आप लोग रील्स देखकर एकदम से प्रभावित ना हो और किसी के पास भी जाकर एडमिशन ना ले, पहले सोचे समझे क्या उन्हें अनुभव है। जैसे कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर है काफ़ी अनुभवी है इंस्ट्रक्टर है, ये ज़्यादा हम बवाला नहीं करते हैं, यूट्यूब पे हम ज़्यादा झूठी बातें नहीं करते हैं, हम ग्राउंड पे दिखाते हैं कि हम क्या है। कई बच्चों का ये भी है कि वहाँ पर गोला बहुत अच्छा हो रहा है। दोस्तों बरसात हुई है, बरसात में आप गोला कहीं पर भी नहीं फेंक सकते। देखिए आप गोला फेंकेंगे तो गीला होगा, गीला होगा तो स्लिप होगा। उससे बेटर है कि आप वर्कआउट करें, बहुत अच्छा वर्कआउट करें, अपने हाथों में मजबूती लाए। शाबाश 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 शाबाश। खींच गौरव, खींच, शाबाश 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 शाबाश। खींच खींच खींच, बढ़िया खींच 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 खींच। शाबाश 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 खींच। दोस्तों काफ़ी फर्क पड़ा है सेकंड ग्रुप का, शूज़ गिल्ले होने पर और टी शर्ट गिल्ले होने पर और बरसात होने पर, ट्रैक गिला होने पर। इनका 2:30 में 8-10 ही बच्चे आ पाए, बाकी 2:40 तक और 2:45 तक बच्चे आए। ये देख रहे हैं आप, ये बरसात हो रही है, बरसात होने के बाद ट्रैक गिला है, शूज़ गिल्ले हैं, स्लिप होने का डर है, ज़्यादा बच्चे दौड़ रहे हैं एक साथ, उसको गैप बना करना है, फिर अपना पैर भी जमाना है, जगह भी बनानी है और जगह बनाकर दौड़ना भी है। दोस्तों ये हमारा तीसरा ग्रुप है, देख रहे हैं आप बरसात हो रही है और बरसात में इनका टाइमिंग लिया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि बरसात होने पर, कपड़े गिल्ले होने पर, शूज़ गिल्ले होने पर टाइमिंग कितना फर्क पड़ता है। फर्क पड़ रहा है, 2-4-5 सेकंड का फर्क पड़ रहा है। हाँ तैयार है आप लोग, रनर मार्क स्टार्ट गो। राजेश वीडियो दोस्तों कंटिन्यू चल रहा है, देख रहे हैं बरसात भी कंटिन्यू चल रही है और बरसात में हम टेस्ट ले रहे हैं ये देखने के लिए कि बच्चों के पैर कैसे जमते हैं, शूज़ गिल्ले हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, टी शर्ट गिल्ली है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाल गिल्ले हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, और उन्हें अपनी जगह कैसे बनानी है। इतने सारे जब बच्चे दौड़ते हैं बरसात में तो हर बच्चे को डर होता है कि मैं गिर नहीं जाऊँ, स्लिप नहीं हो जाऊँ, अगर स्लिप होगा तो टाइमिंग मेरा क्या आएगा और गिर जाऊँगा तो मेरा टाइमिंग क्या आएगा। इसी बीच हम बच्चों को दौड़ा रहे हैं और टाइमिंग भी देख रहे हैं, आप लोगों के पास वीडियो पहुँच जाएगा। ये थर्ड ग्रुप दौड़ रहा है हमारा, शाबाश 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 शाबाश। बढ़िया 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 चल रहा, बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा। देखिए उस तरफ ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन की तरह हमारे बच्चे दौड़ रहे हैं, उस तरफ ट्रेन चल रही, इस तरफ ये चीते दौड़ रहे हैं। फिर दोस्तों आपसे बोलना चाहूँगा कि आप लोग रील के चक्कर में ना आए और रील को देखकर आप प्रभावित ना होए, जाकर आप एकेडमी चेक करें और एकेडमी चेक कर ही एडमिशन लें, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान होते हैं, यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं, किराए से रहना, फिर डाइटिंग पे खर्चा करना, उसके बाद आना जाना, बहुत खर्चा होता है दोस्तों, ये हम जानते हैं। तो फिर आप वहाँ पर कुछ फीस वगैरह देते हैं, फिर दूसरी एकेडमी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे भी आपको फीस देनी पड़ती है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप एकेडमी अच्छे से चेक कर लें, उस्तादों को चेक कर लें और अपने जो इंस्ट्रक्टर है वहाँ के वो चेक कर लें। हमारे पास इतनी भीड़ है, किसी बच्चे का कोई रिपोर्ट नहीं, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी प्रॉपर वर्कआउट चलता है सुबह शाम। आप अगर इंदौर में हैं तो विनर डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक करने के बाद ज्वाइन करें। हम कितना हुआ, 2:23-24। दोस्तों थर्ड ग्रुप का
पहला बंदा 31 में आया। देखिए खींचो 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 खींचो, ओए तेज डाल फिनिशिंग, शाबाश 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 शाबाश। थर्ड ग्रुप का दोस्तों काफी फर्क पड़ा है, 50 तक बच्चे आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल वाले राव विनर डिफेंस एकेडमी से। दोस्तों लास्ट ट्रायल है और लास्ट ट्रायल है गर्ल्स का, और दोस्तों यहाँ पर विनर डिफेंस एकेडमी में किस तरीके से तैयारी चलती है ये आपको वीडियो में बताया जाएगा, और वीडियो अंत तक देखते रहेगा। और अभी स्टार्ट करते हैं गर्ल्स का, और गर्ल्स का क्या ट्रायल रहता है, और कम से कम इसमें से 5 गर्ल्स 3 मिनट डाउन करेगी, ये हमने एक लक्ष्य रखा है। अब देखते हैं कि ये उस पर खरा उतरते हैं कि नहीं। चलो रेडियो गर्ल्स, आपको आखिरी तक दम लगाना है, ठीक है, और 2 राउंड पूरा तेजी से फिनिशिंग डालना है। जैसे सेकंड राउंड स्टार्ट होता है पूरा तेजी से चलने देना, और लास्ट का 100 मीटर बचेगा, भूल जाना है क्या हो रहा है, समझ में आ गया, पूरा खींच के चलना देना सभी। और आपको अपने आप से बेहतर कोई नहीं पहचानता, आपके अंदर की अपने अंदर की ताकत को पहचानना है और पूरा एफर्ट डालना है, समझ में आ गया। चलो रेडी गो। दोस्तों हमारे आर्मी से रिटायरमेंट संजय महाजन सर है, जो बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करवाते हैं, उनके अंडर में मैं खुद तैयार हुआ हूँ, और उनके अंडर में मैं करीबन 3 से 4 साल तक उनके अंडर ट्रेनिंग ली और मैं तैयार हुआ। दोस्तों उन्होंने 17.5 की उम्र में इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो गए थे, और फर्स्ट पोस्टिंग ही उनकी सियाचिन ग्लेशियर थी, तो वहाँ पर आप सोच सकते हो कि वहाँ पर उनके जो गुरु रहे हैं, जो इनके स्टेटक रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर उनको तैयार किया है। तो दोस्तों वो बहुत परिपक्व तैयार हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं, और उनको एक जरूरी बात ये भी था कि उन्होंने 18 देशों की आर्मी के साथ युद्धाभ्यास किया है, और वहाँ पर भी आप सोच सकते हो कि 18 देश के साथ युद्धाभ्यास करने के बाद उनके अंदर किस तरीके से उन्होंने वो आचरण लिया होगा और वो गुण हासिल कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि विनर एकेडमी में इतना गीला होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों का ट्रायल रहा और बहुत भयंकर तरीके से दम लगा है, और ये हमारे पास विनर डिफेंस एकेडमी का बच्चा है। आपका पहले टाइमिंग कितना आया था पहले ट्रायल में यहाँ पर? दो भी साथी थे लास्ट टाइम, और अभी इतना गीला है और मौसम पूरा खराब है, और अभी इनका टाइमिंग क्या रहा है? अभी तो 27 रहा, 27। आइए देखिए, इधर आ जाओ, इनका सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया है, और देखिए गर्ल्स किस तरीके से पैर चल रहे हैं इनके और किस तरीके से लगे हुए हैं। फर्स्ट गर्ल्स आई थी 2 मिनट 47 सेकंड में, 2:58, 3 मिनट, 3:01, 3:03, 3:04, 3:06, 3:07, 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:15, 3:16, 3:17, 3:18, 3:19, 3:20, 3:21, 3:22, 3:23, 3:24, 3:27, 3:28, 3:30, और 3:32, 3:33, 3:34, 3:35, 3:36, 3:37। दोस्तों आपने देखा करीबन 3 गर्ल्स, फर्स्ट गर्ल्स का टाइमिंग था 2 मिनट 47 सेकंड, और लास्ट गर्ल्स का टाइमिंग अभी भी चल ही रहा है 3:48, 3:50, 3:51। करीबन 5 गर्ल्स का टारगेट रखा था, जिसमें से 3 गर्ल्स 3 मिनट के अंदर आ गई है, और 2-3 गर्ल्स जो 3:01, 3:02 पर आई है। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि आपको सबसे पहले आप नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप आपका वीडियो हमारा वीडियो देख सकते हो। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।